हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज इस वीडियो पर बात करेंगे, सरकार ने एक नई योजना लाई है जिसका नाम है अग्निवीर योजना। क्या आप या आपके बच्चे अग्निवीर बनेंगे? आज वीडियो में थोड़ी सी आपको आवाज बाहर की आ रही होगी क्योंकि वर्षा अपने प्रचंड स्वरूप पे है और बारिश को हम रोक नहीं सकते। राधे राधे। तो वर्षा की आपको आवाज इस वीडियो पे सुनाई देती रहेगी, आपको सुनना ही पड़ेगा, विकल्प नहीं है भाई जी। तो प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति में आनंद है, बारिश में कभी भीग के देखिए आनंद आएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि अग्निवीर योजना में आपके बच्चे या आप सफल हो रहे हैं क्या? क्या आपके कुंडली में अग्निवीर बनने के योग हैं क्या? अब आप बोलेंगे ज्योतिष शास्त्र में तो इसका कहीं पे उल्लेख ही नहीं किया गया है, ज्योतिष शास्त्र में तो उल्लेख ही नहीं है कि अग्निवीर बनना है, या अग्निवीर योग क्या होता है? फिर आप अग्निवीर योग कहाँ से घोष के ला रहे हो? देखिए, अगर वैज्ञानिक यही मान लेना कि हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने इसके बाद तो कोई खोज नहीं की है, तो वैज्ञानिक क्या होंगे? फिर वहीं पर रुक जाएंगे महाराज, वहीं पे वैज्ञानिक आगे काम करना बंद करके रुक जाएंगे। उसी तरह हमें ज्योतिषियों को भी ना नए नए योगों का सृजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाराज वेद व्यास ने जितना लिख दिया उतना ही पर्याप्त है, नहीं जी, उसके आगे बढ़ना होगा। समय नई परिभाषाओं को सृजित करता है, समय नए योगों का सृजन करता है, और हम सब नए कलमकार हैं, नए ज्योतिष के छात्र हैं, तो हम नहीं खोजेंगे तो खोजेगा कौन? इसलिए कंसंट्रेट होकर सुनिए कि आपकी कुंडली में अग्निवीर योग बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या प्राप्त करेंगे आप। अग्निवीर भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है अग्निवीर, और ये सिर्फ देश की सीमाओं को ही सुरक्षित करने की बात नहीं है, देश में कहीं अंतर कला होता है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत दूर तक की योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो तथाकथित बेवकूफ लोगों ने भी इसके खिलाफ रोड पर खड़े होकर आवाज़ दी है, हालांकि वो एक अलग बात है। तो आपके कुंडली में मंगल महाराज और सूर्य महाराज, सूर्य मंगल ही आपको अग्निवीर बनाने वाले हैं। सूर्य मंगल की युति या सूर्य मंगल का प्रभाव ही आपकी कुंडली में अग्निवीर बनेंगे आप। तो देखिए, मेष लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन, सिंह लगन, साथ में आपकी तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, इन लगनों में अग्निवीर बनने के योग ज़्यादा प्रबल हैं। बनने के लिए कोई भी लग्न के बन सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कन्या लगन वाले ही फौज में जाते हैं, ठीक है ना, धनु लगन वाले भी, मीन लगन वाले भी फौज में जाते हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा इनके लिए रहेगा। अब देखिए, आपके मेष लगन वालों की अगर बात करें ना, तो मेष लगन वालों का सूर्य देव महाराज जो हैं वो पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए चांसेस बहुत अच्छा है। लाभ भाव पे सप्तम दृष्टि है, लाभ आपको होगा। अच्छा, अग्निवीर योग कैसे बनेगा अगर हम इसकी चर्चा करें? देखिए, अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जो सरकार के कुछ वर्षों की योजना है, चार वर्ष की योजना है, करते करते 4.5 भी वर्ष हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सरकार बढ़ा दे कुछ समय बाद। अचानक लाभ हो जाना, अचानक अग्निवीर क्या है, जो आपके गली मोहल्ले में सीटी मार बजाते हुए ऐसे घूम रहे हैं, अचानक उनको मौका मिला, आए दौड़े और हो गए और 4 साल के लिए बल्ले बल्ले हो गए। जो सुबह शाम माता पिता से पैसा मांगते थे, दे दो चाय पीनी है, दे दो मोबाइल रिचार्ज कराना है, अचानक वो 30,000 रुपये कमाने लगे, अचानक शरीर पे वर्दी आ गई और पिक्चर की क्लिक करने लगे, नेम फेम हो गया। अचानक हो जाना, क्या अचानक हो जाना? तो आपके कुंडली में इस समय आप किसी भी लग्न के जातक हो, अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग कन्वर्ट हो रहा है या कन्वर्ट हो चुका है, तो आप अग्निवीर बनेंगे। विपरीत राशियों, आपकी कुंडली में 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में ही आपस में एक्सचेंज करके बैठे हो, तो इसका नाम है विपरीत राजयोग, तब बनता है विपरीत राजयोग। अब जैसे आपके कुंडली में मेष लगन की कुंडली में बुध महाराज और शुक्र महाराज 6-8-12 के स्वामी हैं और ये आपस में एक्सचेंज कर लें तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। आपके कुंडली में जैसे आपके वृषभ लगन की कुंडली हो गई, तो आपकी कुंडली में शुक्र महाराज आपके लग्नेश से विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे, लेकिन मंगल आपके विपरीत राजयोग बना सकते हैं। कन्या लगन की कुंडली में
अगर आपके मंगल महाराज अंतर चल रहा है, मंगल महाराज की दशा चल रही है और मंगल महाराज विपरीत राजयोग में है, तो आपकी कुंडली में 100% इस समय अग्निवीर योग बनेगा। सूर्य की दशा चल रही है या सूर्य आपके कुंडली में द्वादश में है या उच्च की होगी अष्टम में है या कष्टम भाव में है, तो आप अग्निवीर बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली में 6-8-12 की दशा, 6-8-12 में मंगल है, सूर्य है या कोई भी ग्रह 6-8-12 का स्वामी है, वो विपरीत राजयोग में है, तब आपकी कुंडली में अग्निवीर बनने का योग बन रहा है। आप अग्निवीर बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा क्यों? अग्निवीर का मतलब है कि कुछ समय की योजना जिसमें आपको अचानक लाभ होता है, अचानक 3 गुना लाभ हो जाना। विपरीत राजयोग क्या करता है? 3 गुना लाभ देता है। आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 8-10 हज़ार रुपये मिल रहा है। अब जैसे आपके कुंडली में विपरीत राजयोग कन्वर्ट होगा, आपको 3 गुना मिलेगा। अचानक क्या है, नर्सरी से निकल के देश के प्रहरी बन गए, तो मान सम्मान तो 10 गुना बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्था भी 3 गुना बढ़ जाएगी, 8,000 से 30,000 रुपये हो जाएगा। फैसिलिटी कैंटीन की इत्यादि की, खाने पीने की सुविधा भी आपको मिलेगी, सम्मान और आत्मगौरव, आत्मसम्मान ज़्यादा बढ़ेगा, तो 3 गुना बढ़ाएगा। ये समटाइम्स ही क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि भैया देखो, विपरीत राजयोग जब तक चल रहा है तभी तक तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत से नेताओं को आप देखिए, बहुत तेजी से उदित होते हैं और बहुत तेजी से अस्त हो जाते हैं। गोपाल कांडा जैसे लोग बहुत तेजी से उदित हुए और उसी तरह अस्त हुए। सुशील पहलवान, सुशील जितना तेजी से उदित हुए उतनी तेजी से अस्त हुए। विपरीत राजयोग उदित हुए और विपरीत राजयोग जाते ही अस्त हो गए। तो अगर आपके बच्चों की कुंडली में इस समय 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में एक्सचेंज करके बैठे हैं, परिवर्तित करके बैठे हैं, उनकी दशा चल रही है, तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को आप आगे बढ़ाइए, वो अग्निवीर बनेंगे। आपके कुंडली में सूर्यदेव कारक हैं, सूर्य देव कारक हैं, तो 17 अक्टूबर तक का जो समय है, इसी समय भारत सरकार अग्निवीर योजना के तहत वैकेंसी निकाल रही है, तो आपके बच्चे इस समय अग्निवीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके मेष लगन की कुंडली है तो भी आपको सफलता मिल रही है। वृषभ लगन की कुंडली है तो सूर्य आपके चतुर्थ के स्वामी है, दशम भाव पे दृष्टि है, तो और ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा तभी बन पाएंगे। मिथुन लगन में एकादश भाव में मंगल महाराज हैं, वो चाहे कहते हैं कि हम सेना से आपको नौकरी देंगे, और सूर्य कर्म भाव के स्वामी है तो मिथुन लगन वालों के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। कर्क लगन में आपके कुंडली में सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी है, मंगल महाराज कर्म के स्वामी है, तो आपके लिए संभावनाएं प्रबल बनेंगी। सिंह लगन वाले बड़े लोग होते हैं, ये पैदाइशी बड़े होते हैं, छोटी नौकरी के लिए जाते नहीं, तो बहुत कम लोग सिंह लगन वाले होंगे जो अग्निवीर को ट्राई करेंगे, क्योंकि वो जन्मजात ही अपने आप को बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं दत्त, हम सिपाही में थोड़ी ना भर्ती होंगे, हम बड़े पद के लिए बने हैं, हम बड़े पद में जाएंगे, हम अफसर बन के जाएंगे, सिपाही बन के नहीं जाएंगे। कन्या लगन में अगर आपके विपरीत राजयोग में सूर्यदेव हैं तब आप भी अग्निवीर बन सकते हैं। तुला लगन में आपके लाभेश सूर्य महाराज हैं, लाभ करा रहे हैं, तो भी आपके अग्निवीर बनने के चांसेस बनेंगे। वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत अच्छा योग है, सर्वाधिक अगर योग किसी के अग्निवीर बनने का है तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आपके देखिए सूर्यदेव इसमें आपको तत्काल नौकरी दिला रहे हैं, क्या तत्काल नौकरी दिला रहे हैं, और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, सरकार इसमें वैकेंसी निकाल रही है, उसके बाद लाभ में जाएंगे तो नौकरी मिलेगी और फटाफट आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। भविष्य अग्निवीरों का क्या होगा, इस पे अलग से आपको कुंडली बना के दी जाएगी। धनु लगन वालों के लिए सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, तो आपका सूर्य भाग्योदय कराएंगे। कहाँ भाग्योदय कराएंगे? धनु आपकी अग्नि तत्वीय राशि है, सूर्य आपके भाग्योदय अग्नि तत्व पे कराएंगे, और आपके पंचमेश भी अग्नि वाले हैं, मेष सिंह धनु, आपका त्रिकोणात्मक संबंध बन रहा है आग से, और फौज क्या है, नाम ही अग्निवीर है, आग से खेलना है। मकर लगन वालों के लिए क्योंकि विपरीत राजयोग हुआ तभी आप फौज में जाएंगे, नहीं फौज में आप नहीं जाएंगे। कुंभ लगन वालों के लिए आपका व्यापार का स्वामी आपकी कुंडली में सूर्य है, कर्म का स्वामी मंगल है, तो आपको भी अग्निवीर बनने के चांसेस मिल रहे हैं, लाभ मिल रहा है। वहीं पे आपके कुंडली में मीन लगन वालों के लिए यदि सूर्यदेव विपरीत राजयोग में हुए तभी आप फौज में जाएंगे, नहीं तो आपको मन ही चंचल है, आप बोलेंगे नहीं मेरे को अग्निवीर नहीं बनना है, मेरे को जलवीर बनना है, तो आप अग्निवीर की ओर नहीं जा सकते। तो आप चेक करिए आपके बच्चों की कुंडली में अग्निवीर योग बन रहा है,
एक बेहतरीन अवसर है देश की सेवा का, अपने समाज की सेवा का। यज्ञवीर जो वापस लौट कर आएंगे तो समाज को संगठित करेंगे, समाज में जो बेवजह के लोग बदतमीजी करते हैं उनको ये ठीक करेंगे। सरकार की दूरगामी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। जब कभी खुदा न खास्ता हमारा देश आंतरिक विरोध में पड़ेगा तो सीमा पे तो सैनिक देश को संभाल लेंगे, अंदर समाज को कौन संभालेगा। तो यही अग्निवीर जब आज से 20 साल बाद चार साल बाद लौटेंगे तो हमारे हर घर में एक अग्निवीर होगा, मोहल्ले में 10 अग्निवीर होंगे, तो किसी की औकात नहीं है आपके मोहल्ले की तरफ आँख उठाकर देखने की। कोई अराजक तत्व तो अराजकता नहीं फैला सकता, क्योंकि अग्निवीर उसको जला देंगे, जला के भस्म कर देंगे। तो इस योजना का आप लाभ उठाइए और इस योजना में लोगों को जोड़िए। ये देश और राष्ट्र को मजबूत करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जो बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, चौराहे पर टहल रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है इसमें जुड़ने का। आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिए और जुड़िए। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे।